नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। या दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित है एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि संतान की लंबी उम्र अच्छी सेहत के लिए रखें जीवित पुत्री का व्रत, ये है शुभ मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जीवित पुत्री का व्रत के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। शुभ मुहूर्त से लेकर पारण की सारी जानकारी आपको आज हम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय से आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए माताएं जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं। इस व्रत को जीतिया, ज्योतिया और ज्योतिया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखते हैं। इस साल यह व्रत 18 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन माताएं अपनी संतान की खुशहाली और अच्छे जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं, साथ ही पूजा पाठ रखती हैं। यह व्रत बहुत कठिन होता है और मुख्य तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में रखा जाता है। यह मध्य भारत में रखे जाने वाले संतान सप्तमी व्रत जैसा होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 18 सितंबर 2022 से शुरू होगी और 19 सितंबर 2022 को समाप्त होगी। इसलिए जीतिया का या जीवित पुत्री का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा, वहीं पारण 19 सितंबर को किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे रखें जीवित पुत्री का व्रत। जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत से एक दिन पहले महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर पूजा पाठ करके भोजन करें। इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। दरअसल यह व्रत छठ व्रत की तरह एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है। फिर जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भी निर्जला रहें। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करें। फिर इस व्रत के तीसरे दिन सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत का पारण मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग खाकर किया जाता है। दोस्तों, यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, जिसे महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए हर साल रखती हैं। द्वितीया व्रत के दिन महिलाएं संध्या के समय चील और सियार का पूजन करती हैं, जिन्हें हम चीलों और सियारों के भी नाम से जानते हैं। इन दोनों की एक कथा भी है, जो कि महिलाएं जिस दिन व्रत रखती हैं उस दिन शाम को इनकी कथा भी सुनती हैं, जिससे इन्हें अनेकों अनेक फल की प्राप्ति होती है और उनके संतान की लंबी आयु होती है। जिस प्रकार महिलाएं व्रत रखती हैं, उसी प्रकार चील्हों और सियारों भी इनके साथ व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं अपने जो जो खाती हैं, वही चील्हों और सियारों को भी खाने के लिए देती हैं। उसी प्रकार अगर वह पारण अगले दिन करती हैं, तो वो उन्हें पहले पारण करवाने के बाद ही खुद पारण करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में की मान्यता है कि महिलाओं को जीतिया का व्रत भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए और न ही ये व्रत को आधा अधूरा छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें बहुत ही हानि पहुंचती है और उनके संतान पर विपत्ति आ जाती है। इसलिए अगर आप किसी व्रत को कर रहे हैं, तो उसे विधि विधान के साथ अंतिम तक करें, इससे आपको फल शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जीतिया व्रत के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो तुरंत प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।